हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे लाल मिर्च का अचार। देखिए, ये वाली मिर्च आजकल मार्केट में बहुत आ रही है और ये इस मिर्च का हम अचार बनाएंगे। और हम इसको एक अलग ही तरीके से बनाएंगे। इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर बनाएंगे। इसका अचार कई तरीके से बनता है। इसकी ये ऊपर से निकाल के हम ऊपर से भर के भी बनाते हैं और इसको हम बीच से चीरा लगा के मसाला भर के भी बनाते हैं। लेकिन आज हम इसका अचार टुकड़ों में काट कर बनाएंगे। छोटे छोटे टुकड़े हम इसके काटेंगे तब इसका अचार बनाएंगे। ये देखिए, मैंने ये सारी ये लाल मिर्च ली है, बड़ी वाली है ये, मोटी वाली, और इसको हमने धोकर अच्छे से धूप में सुखा लिया है। देखिए, थोड़ा सा भी इसमें पानी नहीं है कहीं भी, बिल्कुल सूखी मिर्च है, क्योंकि पानी होगा तो अचार ख़राब हो जाएगा। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए अचार वाली मिर्च में। सारी मिर्च जितनी थी उनको हमने टुकड़ों में काट लिया है और मैंने इसको 2 घंटे के लिए धूप में रखा है, क्योंकि काटने के बाद ये हल्का हल्का गीली हो जाती है। ताज़ी मिर्च होती है ना, ऐसे टुकड़ों में हमने इसको काटा है। बस अब हम इसमें सब मसाले मिलाएंगे। चलिए अभी आपको मसाले दिखाते हैं। मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने लिया है ये अचार का मसाला। ये मार्केट में मिल जाता है, किसी भी शॉप में मिल जाता है। ये मसाला हम इसमें डालेंगे और उसके साथ ही हम इसमें कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा और ऐड करेंगे जिससे अचार का टेस्ट और अच्छा हो जाएगा। देखिए, हमने लिया है सौंफ। इसमें इस मसाले में सौंफ थोड़ी कम होती है तो हम इसमें सौंफ थोड़े ज़्यादा डालेंगे, क्योंकि अचार में सौंफ का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके साथ ही हम इसमें लेंगे ये राई। ये देखिए, राई होती है छोटी वाली, सरसों नहीं है, ये राई है। इससे अचार में थोड़ा खट्टापन आता है और इससे उसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये लिया है मैंने पीली सरसों। अब इन सभी को, इन तीनों चीज़ों को हम मिलाकर हल्का हल्का भुनेंगे और उसके बाद हम इसको हल्का सा कूट लेंगे। और मसाला तो हम बस इसके अलावा और कुछ नहीं डालेंगे इसमें। और फिर हम इसको अच्छे से मिक्स करके अचार को हम तैयार करेंगे। ये देखिए, मैंने तीनों चीज़ों को मिला लिया है। अब मैं इसको हल्का हल्का रोस्ट कर रही हूँ, बस ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा रोस्ट करना है ताकि ये अच्छे से कूटने में इसको आसानी हो जाए। बस हम इसको भूनने के बाद कूटेंगे। ये देखिए, इसका हल्का सा कलर चेंज हो गया है। अब ये अच्छे से रोस्ट हो गया है। अब हम इसको गर्म को ही कूटेंगे, इससे बहुत जल्दी कूट जाएगा। ये देखिए, मैंने इसको अपनी ओखली में डाल दिया है। अब मैं इसको इसकी सहायता से धीरे धीरे इसको कूटेंगे। ये देखिए, मैंने इसको कूट दिया है। इसको ज़्यादा नहीं कूटना होता है, इसको हल्का हल्का सा कूटते हैं। बस राई सरसों जो हमने इसमें मिलाई है उसको कूटने की ज़रूरत पड़ती है। सौंफ को तो हम इसमें ऐसे ही डाल देते हैं, लेकिन फिर भी मैंने दो सबको साथ मिलाकर एक बार हल्का हल्का इसको कूट दिया है। थोड़ा सा दरदरा सा हो गया है ये। अब हम ये जो मिर्च हमने सारी काटी हुई हैं इसको एक अचार के जार में हम इसको भर देंगे। मैं इस वाले बॉक्स में इसको डालने वाली हूँ, तो मैं इसको पूरी सारी मिर्चों को हम इसमें डाल देंगे। ये अचार बहुत जल्दी बनेगा, इसके लिए हमें बाहर इसमें कुछ भी मिलाने की ज़रूरत नहीं। हम सब कुछ इसके में डब्बे के अंदर ही डालेंगे और ये बहुत आसानी से और बहुत जल्दी बन जाएगा। ये देखिए, मैंने सारी मिर्च को इस डब्बे के अंदर डाल दिया है। अब इसमें हम ये डालेंगे कुटा हुआ मसाला जो मैंने कूटा था अभी। इसको हम इसके अंदर ऐसे करके डाल देंगे, अच्छे से इसको पूरा डाल देंगे। और जो ये हमने अचार का मसाला लिया था उसको भी हम इसको इसमें पूरा डाल देंगे। ये देखिए, मसाला इसमें पूरा डालेंगे। 1 किलो मिर्च मैंने ली है, 1 किलो मिर्च में ये पूरा मसाला डलता है। पैकेट, एक पैकेट पूरा डलता है 1 किलो मिर्च में। इसमें हमें नमक डालने की ज़रूरत नहीं होती, इस अचार के मसाले में नमक मिक्स आता है। इस वजह से अगर बाद में टेस्ट करने के बाद अगर आपको कम लगे तो आप बाद में ऐड कर लीजिए, लेकिन वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब देखिए, हमने इसको सबको अच्छे से इसमें मसालों को डाल दिया है। अभी इसको हम अच्छे से इसको हिलाएंगे। डब्बे को हिला हिला कर हम इसको मसाले को पूरी मिर्च के अंदर मिक्स कर देंगे अच्छे से। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, मैंने इसको डब्बे को अच्छे से हिलाया है और ये सारा मसाला इन मिर्च के अंदर अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे सरसों का तेल। ये देखिए, हमने सरसों का तेल लिया है। अब इसको मैंने गरम, अच्छे से गरम करके इसको ठंडा कर लिया है। अब इस तेल को हम मिर्च के अंदर ऐड करेंगे और इसको बिल्कुल ठंडा होने के बाद ही ऐड करेंगे, और जितना ज़रूरत होगा उसमें उतना तेल हम इसमें ऐड करेंगे। और मिर्च के अचार में सरसों का तेल बहुत अच्छे से डालना चाहिए तो मिर्च का अचार ख़राब नहीं होता है। अगर तेल कम होगा तो अचार जल्दी ख़राब हो जाएगा। ये देखिए, मैं इसमें ये सरसों का तेल डाल रही हूँ। अभी मैं चेक करूँगी, अगर ज़्यादा ज़रूरत होगी तो हम और डालेंगे इसमें। ये देखिए,
मैंने इसमें तेल डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया है। और अब देखिए अचार बिल्कुल हमारा बनकर तैयार है। इसको हम 2 से 3 दिन रोज़ धूप में रखेंगे और ये 2 से 3 दिन में खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगा। मिर्च के अचार को बनाते समय बस कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना चाहिए। एक मिर्च जब हम धोकर उसको अच्छे से धो लेते हैं तो उसको बहुत ही अच्छे से धूप में सुखाकर कपड़े से पोंछ कर सुखा लेना चाहिए। उसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। काटने के बाद भी अगर हमें लगे कि हल्का हल्का गीला हो रहा है तो उसको 1 या 2 घंटे के लिए धूप में रख सकते हैं। मैंने तो रखा है, अगर आपको लगे कि सही है तो मत रखिए, और अगर लगता है कि मिर्च काटने के बाद गीली हो रही है तो उसको फिर से एक बार 1 से 2 घंटे के लिए धूप में रख दीजिए। फिर आप इसको मसाले इसी तरीके से डालकर इसमें आप बनाकर तैयार कीजिए। हम इसमें बाहर भी मिला सकते थे सब मसाले, लेकिन मैंने डब्बे के अंदर ही डाला है क्योंकि ये थोड़ा सा ईजी भी रहता है और जल्दी बन जाता है। आप मेरी इस रेसिपी को एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।